अपने सेमिनार में लेके जाऊंगा, उसको लेके आके उसको गर्म करूंगा, ठंडा है वो, उसको मैं गर्म करूंगा ना। सिक्योर लाइफ, शिक्षा से सफलता तक। तुम बोलते हो एकदम रेडीमेड आइटम चाहिए, अरे सबको गर्म करना पड़ता है, सबको लाना पड़ता है, बहुत बड़ा काम है वो। एंड प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब पहला हैबिट तो हो गया ना कि आपके पास अभी प्रोस्पेक्ट की तो कोई कमी नहीं। गुजरात शहर के अंदर या मुंबई में इंसान के मापक दो पैर से घूमने वाला कोई भी आइटम को पकड़ सकते हो आप, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है। और वो तुम्हें जाने या ना जाने, क्योंकि मामा के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, दोस्तों के पास जाओगे वो भी ना बोलेगा, और जो अनजान आदमी है वो भी ना बोलेगा, तो कोई टेंशन ही नहीं लेने का, सब ना से ही शुरू होने वाला है। तो खुश रहने का, क्योंकि आज तक कभी कोई आदमी हां बोलने वाला 22 साल में नहीं मिला। किसी को मेरी वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए, किसी को मेरा फायर एक्सटिंग, मैं जब भी जाता ना आग बुझाने का और डब्बा बेचता था मैं फायर एक्सटिंग्विशर। तुम मेरे को बताओ, ये जो 1200 लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोगों के लाइफ में आग लगी है, एक्चुअल आग? हाथ उठाओ। मतलब कोई आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया भयंकर, और आप उसमें से बाहर निकल गए, ऐसे कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1200। अब जब मैं वो जो मशीन लेके इनके पास जाऊं ना, मैं बोला सर सीज फायर, ये तो लपक लेंगे मेरे को, क्योंकि इनकी जली है। अब बाकी जो 1195 आदमी जो इधर बैठा है, 1195, उसकी तो कभी जली नहीं। उसको मैं बोल रहा हूं तेरी जली तो ये वापरना, बोलता है लेकिन जलेगी नहीं, इतने साल में जली नहीं तो अब कैसे जलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैं गधा हूं तो मैं 5 जन को ढूंढ रहा हूं, मैं अक्कल वाला हूं, मैं इनको ढूंढ ही नहीं रहा हूं। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? 1100 क्योंकि अगर ये 5 मिल भी गया तो भी मेरी गाड़ी नहीं आएगी। आर यू विद मी? ये मिल भी गया, इसको मैं कितना बेचूंगा? 5, 10, 25, 20। लेकिन मैं अगर 1100 आदमी के पास गया तो मैं 300 को तो बेच सकता हूं, तो मेरी गाड़ी आएगी उन लोगों से मिलके जो मुझसे मिलना, और उनसे वो बात करके जो मुझसे करना। ये गेम मेरे को समझ में आ गया, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके लिए मेरे को 12 15 25 साल से कभी कोई धोखा नहीं हुआ सेल्स में, क्योंकि मैं मिला ही उस आदमी को जो मुझसे मिलना नहीं चाहता, जिसको मेरी प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, जिसको मेरे साथ जुड़ने का ही नहीं है। तेरे को नहीं जुड़ने का है, लेकिन मेरे को जुड़ाने का है ना। तो ये बात जो ठोक के क्लियर हो जाता है आपके मन में, और जब आप किसी को जुड़ाते हो तो कोई को बर्बाद करते हो, यस और नो? नो। जब मैंने अगर किसी को वो बेच दिया, और अगर मैंने किसी को ट्रेनिंग दे दिया, और मैंने अगर किसी को वैक्यूम क्लीनर बेच दिया या एक्वागार्ड बेच दिया, तो कोई गुनाह नहीं किया। इनफैक्ट वो लेने के बाद उसको बड़ा मजा आता है, उसका जीवन उसके बिना अधूरा था वो ऐसा बोलता है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से वापरता है। जब तक किसी को मालूम नहीं पड़ता है कोई चीज की जरूरत क्या है, तब तक वो उसको नकारता है। एंड देयरफॉर आज के बाद यू हैव टू डेवलप प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स। लिस्ट बनाओ सभी। हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं? अच्छा ये मामा, मामा तो गधा आदमी, उसके पास जाके फायदा नहीं। ये चाचा, चाचा तो सलाब, इसके बात करके फायदा नहीं। ये अंकल, ये तो पहले ही रोएगा। ये यार, ये तो कोई लिस्ट ही नहीं बन रहा।
सोचता हूँ कल ही बनाओ, अभी थोड़ा चीनी कम देख के आता हूँ पीछे, क्योंकि वो बनाने के टाइम पे सोच रहा है कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, यही सोच के बनाने का, एक भी नहीं लेगा, टेंशन ही नहीं, टेंशन ही नहीं है ना, कोई नहीं लेगा, किसी को नहीं चाहिए, तेरे साथ जुड़ने का नहीं है, लेकिन अपने को जोड़ने का ना यार, ये क्लियर रहना चाहिए। ये जिसमें क्लियर है, जो उसको जुड़ाने पे तुला हुआ है, जो जुड़ना चाहता है, उसमें तुम्हारी कलाकारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं होगा, तुम्हारा पोटेंशियल का एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं होगा। उन लोगों को जुड़ाने में मजा आएगा जो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर आपको अपनी आंखों को, आवाज को, बदन को, इंटेलिजेंस को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, सब चीज को वापरना पड़ेगा, और वहां पर आपकी काबिलियत का दर्शन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड। अब कॉलिंग हैबिट्स, अब आपने लिस्ट बना दिया, लिस्ट बना दिया किसका, किसका, ऐसे इंसानों का जो तुझको मिलना नहीं चाहता और तेरे से वो बात करनी नहीं चाहती जो तू उससे करना। स्वाभाविक है, जब तू उसको इनवाइट करेगा तो वो क्या बोलेगा ना, पक्का बात है, पक्का, कोई डाउट, वेरी गुड। सो कॉलिंग इनवाइटिंग हैबिट्स में मैंने जो सीखा है, अनलेस यू डेवलप deliberately the habit of calling on people who are able to buy but unwilling to listen, agar jaan bujh ke agar aapne aadat nahi dali un logo ko milne ka jo khareed sakte hain lekin sunna, agar jaan bujh ke aisi aadat nahi dali un logo ko milne ka jo khareed sakte hain lekin sunna, अगर जानबूझ के वो आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकता है लेकिन मिलना, तो अनजाने में कौन सी आदत डालोगे, अगर जानबूझ के ये नहीं डालोगे तो अनजाने में कौन सी आदत आ जाएगी। तुम उन लोगों को मिलोगे चलो मैं वापस रिपीट करता हूं, अगर जानबूझ के तुमने इफ यू डेलिबरेटली अगर ऐसी आदत नहीं डाली उन लोगों को मिलने का जो खरीद सकते हैं या अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वो नॉटिंगहम हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, अगर जानबूझ के हमने ऐसे आदमी लोगों को मिलने की आदत नहीं डाली जो अपना खरीद सकते हैं लेकिन मिलना, अनजाने में कौन सी आदत डाल दोगे, नहीं नहीं अनजाने में कौन सी आदत पड़ जाएगी, उन लोगों को मिलने की जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन सुनना चाहते हैं। अगर जानबूझ के उसको नहीं मिलोगे जो खरीदने का ताकत रखता है या मना के उसको खरीदने का ताकत हम पैदा कर सकते हैं, अगर ऐसे आदमी को मिलने की आदत नहीं डालोगे लेकिन ऐसा आदमी सुनना नहीं चाहता है, तो अगर ये आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपसे मिलके बात सब सुनेंगे लेकिन जुड़ेंगे नहीं। सो अनजाने में यू वुड हैव फॉर्म द हैबिट ऑफ कॉलिंग ऑन पीपल हू आर विलिंग टू लिसन बट अनएबल टू बाय। सो हमेशा खरीदने वाले को मिलने जाओगे तो वो मिलना नहीं चाहता, न खरीदने वाला है वो फुर्सत में बैठा है आपकी बातें सुनने को। तो अगर तुम्हें कोई आदमी बोलता ना, अरे आओ यार सब समझाओ मेरे को, हेलो तुमको आगे से बोल रहा है आओ 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 मेरे को सब सुनना है, उसके पास तो जाने का ही नहीं, क्योंकि वो आइटम साला टाइम वेस्ट है,
वो टाइम वेस्ट है, वो उससे आपको कभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत फुर्सत है, वो जुड़ने वाला ही नहीं है, वो सब सुन लेगा, खरीदने वाला ही नहीं है। हमेशा देयरफॉर उन्हीं लोगों को बुलाओ जिनके पास कैपेसिटी है जुड़ने का और खरीदने का, लेकिन जब आप उसको मिलने जाते हो वो आपको नकारता है। ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है, उसको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ना बोलने वाला ही आपका सही प्रोस्पेक्ट है। एंड ये कहा जाता है, जब ऐसे आदमियों को मिलोगे जो आपसे मिलना नहीं चाहता और वो आदमी के साथ आपको वो बात करनी है जो वो करना नहीं चाहता, तो रिजेक्शन तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे आदमी तो रिजेक्ट तो करेगा ही आपको। तो ये रिजेक्शन से बाहर आने के लिए बहुत साल पहले एक रिसर्च हुआ था, जिस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। एक सर्वे हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और इस रिसर्च का नाम है 8x73 सर्वे। 8x73 सर्वे, 8x73 सर्वे में पहला तो मैं आपको 8% वाली कहानी सुनाता हूँ और बाद में मैं 73 पे जाता हूँ। एकदम ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझ में आएगा। 8x73 में ये कहा जाता है कि अगर 100 सेल्स के बंदे हैं, 100 नेटवर्क के लोग हैं, 100 अगर नेटवर्क के लोग हैं, 100 बंदे हैं, तो 44% सेल्स पीपल जो है नेटवर्क में, जैसे उनको पहला झापड़ मिलता है कस्टमर से, वो गिवअप कर देता है, वो गिवअप कर देता है। जैसे मैंने आपको फोन किया, समझो मैंने आपको फोन किया और मैंने आपको बोला कि मेरे को आपसे मिलना है, आप मेरे को बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो मैं वैसे बोलता हूं ओके सर, थैंक यू। तो ये कहा जाता है कि सेल्स में 100 सेल्स के अगर बंदे हैं तो उसमें से 44 लोग जैसे पहले रिजेक्शन मिल जाता है, फर्स्ट रिजेक्शन या पहला झापड़ मिलता है, फोन पे हो सकता है या किसी के घर में हो सकता है या फिर सेमिनार में हो सकता है। जैसे ये सब सेमिनार हो गया तो हम उसको बोलते हैं चलिए अभी आपको तो सेमिनार तो बहुत बढ़िया लग गया ना, तो चलो जुड़ते। वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं तो सिर्फ सुनने आया था। तो उसने एक झापड़ मारा, या फिर हमने फोन किया तो वो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर सेमिनार सुन के हमको उसको कांटेक्ट करने को नहीं हुआ क्योंकि सेमिनार से वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, और अगले दिन हम उसके घर में पहुंचा तो उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो पहला झापड़ जैसे ही मिला, 44% सेल्स पीपल मेंटली फिजिकली गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं ये तो जुड़ने वाला नहीं है, छोड़ो इसको। भले ही फिर आप उधर बैठ के 15 मिनट 20 मिनट उसके घर में बैठ के इधर उधर की बातें भी आप करेंगे, लेकिन आपने पहले ही रिजेक्शन में मन बांध लिया कि ये आदमी जुड़ने वाला नहीं। ये वो सेल्समैन लोग हैं जिन्होंने कभी कोई नेटवर्क के बारे में पढ़ाई नहीं की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना पर्पस लिखा नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन दिखाया नहीं है, ये वो लोग हैं जो बस जुड़ गए और पड़े हैं सिस्टम में। आई डोंट नो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको पहले ही रिजेक्शन में आप गिव अप कर देते हैं। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि कुछ और सेल्स के बंदे हैं, अच्छा 100 में से अगर 44 लोग ने पहले रिजेक्शन में गिव अप कर दिया तो कितने बच गए, कितने बच गए, 56। नाउ 56 की कहानी बताता हूं,
इसमें से 22% सेल्समैन वो है जो पहला झापड़ मिलता है तो बहुत बढ़िया जवाब दे देता, लेकिन सेकंड झापड़ कस्टमर मारता है तो वो गिव अप कर देता। जैसे कोई कस्टमर ने बोला फोन पे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं। जब हमने उसको फोन किया, बोला ठाकर साहब मेरा नाम संतोष नायर है, मैं सिक्योर लाइफ से बोल रहा हूँ, या जो भी आपका इंट्रोडक्टरी एक डायलॉग होता ना, क्या डायलॉग होता है आपका, सपोज आप मेरे को मिलना चाहते हैं और सिंह साहब ने मेरा नाम आपको दिया है और आप मेरे को सेमिनार के लिए बुलाना चाहते हैं या आप मेरे को घर में मिलना चाहते हो, तो आपका पहला डायलॉग क्या होता है? करेक्ट, मैं आपको एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना चाहता था और मैं आगे से आपको बोल रहा हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट है ही नहीं। तो दो टाइप के सेल्समैन होता है, एक जो फोन बोलता है अच्छा ठीक सर जब भी इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे को बता देना, दूसरा एक जो होता है थोड़ा फाइट करने वाला, वो जो पहला वाला सेल्समैन हो तो गिव अप कर दिया। ये जो 22% सेल्समैन है, जब इसको कोई आदमी बोलता है या कोई औरत बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो एक धुआंधार आंसर देता है, क्या बोलता है ये, क्या बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को दिलचस्पी नहीं है। आपने फोन किया ये बोल के कि मिस्टर नायर मेरा नाम आनंद ठक्कर है, आपका नाम मेरे को अरविंद सिंह साहब ने दिया था और मेरे पास एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस सिलसिले में आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और मैंने आपसे कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला वाला जो 44 वाला सेल्समैन, उसने क्या किया, फोन रख दिया, बोला यार ये तो होने वाला नहीं है, इसको पहला रिजेक्शन या सेमिनार हॉल के अंदर मिला या फिर किधर भी मिला ये रख देता है। लेकिन कुछ कड़क सेल्समैन होते हैं, कुछ अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो 22% होते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्शन तो बराबर हैंडल कर लेता है, बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक किसी ने भी आके मेरी कंपनी आपके लाइफ का और आपका फ्यूचर को किस तरह से बना सकता है और आपके फ्यूचर को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है और आपको एक हसीन लेवल पे कैसे लेके जा सकता है और आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन और वेल्थ क्रिएशन कैसा हो सकता है, इसकी गहराई में किसी ने भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं समझाया होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको कहाँ आना है, जिससे कि आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। उस सुनने के बाद मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। पहला वाले ने क्या किया, पहले वाले को बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड तो इसने रख दिया, बोले ओके सर जब भी इंटरेस्ट होगा बताना। सेकंड वाले ने बोला सर आज तक कभी किसी ने आके आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और उसको कैसा बढ़िया तरीके से जीना है और अगर आपके पास पैसा है तो वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे का अचीवमेंट कैसे कर सकते हैं, इसकी गहराई से किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपके घर में आके ये सब बातें बताऊंगा, मेरा विश्वास है मिस्टर नायर आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ऐसा डायलॉग आप मारते हैं तो वो आदमी बोलता है मैं बहुत बिजी हूं। तो ये झापड़ नंबर कितना हो गया? दूसरा, कितने लोग पहले झापड़ में भाग गए? कितने लोगों की कैपेसिटी है एक झापड़ बर्दाश्त कर, दो झापड़ बर्दाश्त करने की? 22। उसने एक बर्दाश्त किया, जवाब दिया, लेकिन दूसरा जैसे ही मिला बोला आई एम वेरी बिजी। तो दो टाइप के सेल्समैन होते हैं, एक जो बोलता है सर आप फ्री कब होएंगे, बोलता 20 साल के बाद, ओके सर तो फिर 20 साल के बाद मिलते हैं। सर आप कब मिल सकते हैं, बोलता मैं मिल नहीं सकता। सर क्या हम मिल सकते हैं, बोलता नहीं मिल सकते। सर पॉसिबल है शाम को मिलना, बोले नहीं। मतलब अपने क्वेश्चन के अंदर ही ना बोलने की गुंजाइश थी,
जब कस्टमर ने बोला आई एम वेरी बिजी, सो ये पूछता है सर आप फ्री होंगे? किसी इंसान को ये नहीं पूछना है कि आप फ्री कब होते हैं। सो ये लोग जो हैं सेकंड वाले, इनकी कैपेसिटी एक झटका खाने की है, दूसरा झटके में ये गिव अप कर देते हैं। 16% ऐसे सेल्समैन होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे बुक्स उन्होंने पढ़ा है, बहुत सारे ऑडियोज और वीडियोस इन्होंने देखा है, सुना है। ये अच्छे किला कलाकार है, डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, नेटवर्क में काम करने में बिलीव करते हैं, गहरे लोग हैं। इनको जब कस्टमर ने बोला पहला झापड़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इन्होंने बोला सर इसलिए ही मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ की गहराई और आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन हम ला सकते हैं इसके बारे में किसी ने आपको बताया नहीं होगा। आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूँगा 100% आपको हमारे और हमारे कंपनी के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में विश्वास हो जाएगा और इसीलिए मैं आपसे 6 बजे मिलना चाहता हूँ, विल 6 बी ओके और 7 भी फाइन। कस्टमर दूसरा झापड़ मारा, मैं तो लेकिन हाँ वो सब बराबर है आनंद भाई, लेकिन मैं तो बहुत बिजी है। मिस्टर नायर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है और मुझे खुशी है कि मैं एक बिजी आदमी और प्रोग्रेसिव आदमी से बात कर रहा हूँ, लेकिन लाइफ में बहुत सारे अनसर्टनिटीज आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसको हम बिजी शेड्यूल में गंवाना नहीं चाहिए। और देयरफोर आप और देयरफोर आप ये बिजी शेड्यूल में ये अपॉर्चुनिटीज को ना गवाए, लिए ही आज शाम को 6 बजे मिलके यही बिजी शेड्यूल में ही आपको एक नई दुनिया, एक नया अपॉर्चुनिटी, एक नया दिशा दिखाने का मैं एक कोशिश करूंगा। एंड देयरफोर क्या 6 ठीक रहेगा कि 7 विल बी ओके? आदमी बोलता है आने के पहले एक बार फोन कर देना, तो ये बेचारे को कितना बार झापड़ मिला अभी? तीसरा। पहला कौन सा था? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा झापड़ मैं बिजी हूं। तीसरा झापड़ आने के पहले एक बार फोन कर देना। और हम में से कई गधे एकदम खुश हो जाते, बोले हाँ मिल गया, हाँ सर फोन कर दूंगा। अबे सलाम फंस गया। एक थोड़ी देर और कोशिश करता फोन पे तो तुझे अपॉइंटमेंट मिल जाता, आदमी ने तेरे को घुमा दिया, तू घूम गया। तो ये भाई साहब की कितनी कैपेसिटी है झापड़ खाने की? तीसरे पे मर जाता है। लेकिन है ना 10% ऐसे सेल्समैन होते हैं जिन्होंने गंगा घाट, जमुना घाट, घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है, बहुत लोगों को फोन लगाया है, बहुत बुक्स वगैरह पढ़ा है, बड़े बड़े नेटवर्क लीडर लोग के साथ घूम के ये घाट घाट का पानी पी के बैठा हुआ एकदम कड़क और पावरफुल सेल्समैन है। इसने नेटवर्क को समझा है, इसमें लोगों को देखा है, इसने कई ना बोलने वाले को अंदर किया है। इसको जब लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आज शाम को आपको मिलना चाहता हूं क्योंकि आज तक किसी ने भी आके सिक्योर लाइफ आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है और आपके फ्यूचर में किस तरह की रंगीनियां ला सकती है ये बारे में किसी ने आपको समझाया नहीं होगा। और आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरा 100% विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। कस्टमर बोलता आई एम वेरी बिजी, सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले। बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है, लेकिन ऐसे बिजी शेड्यूल में जीवन में आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को
हजारों आदमी गवा देते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि एज ए बिजी पर्सन आप ये अपॉर्चुनिटी को गवाए। और जब आप ये अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपका बिजी शेड्यूल को कम बिजी कैसे किया जाए। उसका फैसिलिटी भी यही अपॉर्चुनिटी के थ्रू उभर के आ सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आदमी बोलता है, एक काम कर, आने के पहले फोन कर देना। बोले सर, आपके ऐसे बिजी आदमी को बार बार फोन करके मैं तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। आज शाम का 6 बजे का अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म है, फिक्स है। किसी कारणवश मिस्टर नायर आप मुझसे नहीं मिल सके तो एक काम करना सर, आपकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट या आप किसी को भी बोल के हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको रीशेड्यूल कीजिए, लेकिन आज का शाम का अपॉइंटमेंट फिक्स है सर। मेरा नंबर जल्दी से लिख लीजिए सर, 9820127481। तो सर 6 बजे शाम को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि फिर इसको बोलते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, वो एक और छोड़ देता है। बोले आप मेरे को बुलाएंगे उसमें जुड़ने के लिए, पैसा लगे, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। तो ये बोलता है सर कब तक आएगा पैसा? वो बोलता 200 साल लगेंगे। बोले ठीक है सर, फिर चलता हूँ मैं, क्योंकि इसका जूस निकल गया। इसका जूस कितने में निकला? 4th में। कस्टमर ने पहला झापड़ मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने दूसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने तीसरा मारा, इसने रिटर्न मारा। कस्टमर ने चौथा मारा, इसका वारंटी खत्म हो गया। लेकिन तो कितने लोग भाग गए, एक झापड़, दो झापड़, 3 या 4, फोन पे या घर के अंदर भी किसी को मिलो ना तो भी वो 4 झापड़ मारता है। और अगर कोई सेमिनार में मिल जाओ, सेमिनार खत्म होने के बाद जब अपन उसको कॉर्नर में लेके जाके क्या बोलते हैं, वैगन द सर्कल करते हैं, उसको अंदर लपेटे में लेने जाते, वो अपना तांडव चालू करता है। अभी नहीं ले सकता हूँ, अभी मैं बीवी को पूछूंगा, अभी ये करूंगा, अभी वो करूंगा। वो अपना सो हम में से जो एकदम दुखी आत्मा होते हैं वो पहले में बोलता है साला फालतू में इसको बुलाया, इसका शक्ल से मेरे को मालूम है जुड़ेगा नहीं करके, ऐसा बोल के हम उसको नकार देते हैं। कोई कोई जो है थोड़ा कड़क है, एक झापड़ मिला वो वेन्यू में उसने पटा दिया, दूसरा मिला ये निराश हो जाता है, बोलता है यार ये मेरे को नहीं लगता जुड़ेगा। एक ऐसा कैटेगरी का सेल्समैन होता है जो कोई और थोड़ा कड़क है, उसको एक झापड़ मिला, दो मिला, खड़ा था वो, तीसरा मिला तो बोलता अब सहा नहीं जाता, इतना मत मार, अब नहीं सहा जाता यार। कोई कोई है जिसको एक झापड़ मारो, दो मारो, तीन मारो, चौथा मारे तो बोले बस यार मैं सोचता हूं नेटवर्क से मैं ही निकल जाऊं करके। तो कितने लोग हैं जो या तो एक झापड़, दो या तीन या चार में छोड़ देते हैं? कितने लोग हो गए टोटल? 92, 44 + 22 + 16 + 10, तो कितने बच गए? हाँ, तो 92% ऑफ पीपल या तो पहला झापड़ में, दूसरा झापड़ में, तीसरा या चौथे में सेल को या कन्वर्जन को गिव अप कर देते हैं। वो वेन्यू में हो सकता है, फोन पे हो सकता है, किसी के घर में हो सकता है, लेकिन ये गिव अप जरूर करते हैं, ये 92% पीपल। कितने बच गए? 8%। ये वो लोग हैं जिन्होंने गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, साबरमती सभी घाटों का पानी पिया। इन्होंने पानी पिया ही नहीं है, कईयों को पिलाया है इन्होंने। ये खुद नाए भी है उधर। ये खुद नाए भी है और बहुतों को नहलाया भी है, होलसेल में नहलाया है। इसको तू एक झापड़ मार, दो मार, तीन मार, चार मार, पांच मार, तू मार मार के थक जाएगा, ये खा खा के थकेगा नहीं। इसको तू कुछ भी बोल, इसके पास जवाब है। तू बोल पैसे नहीं है तो वो ये जवाब दे, तू बोलेगा मैं सोच के बताऊंगा तो ये जवाब देगा,
तो बोलेगा मैं इंटरेस्टेड नहीं है, तो जवाब देगा मैं बिजी हूँ, ये जवाब देगा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, ये जवाब देगा कि तू नेटवर्क जुड़ के डायमंड बन के मर साला। मतलब ये आदमी को जो गंगा के तट पे खड़े रह के उड़ी मारने वाला था आत्महत्या को, ये उसको बोलता है रुक जा बेटा इधर, एक काम कर डायमंड बन जा, उसके बाद मैं तेरे को खुद यहां लाके। और वो आदमी जुड़ के डायमंड बन के आत्महत्या कर देता है। मतलब इसकी इतनी कैपेसिटी है, ये बहुत ही खेला हुआ पढ़ा लिखा, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी बुक्स लिखे हैं, अंग्रेजी में जितने बुक लिखे हैं, हिंदी में जितने बुक लिखे हैं, सबको इसने पढ़ के चाट लिया। इसको अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं आता। इसने क्या किया है, इसने 4,000 रुपया का एक आइटम को भाड़े पे रखा है, जिसको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ये उसको बुक खरीद के देता है, बोले तू पढ़ मेरे को समझा। बोले मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अगर ये बुक में नेटवर्क मार्केटिंग के ये बुक के अंदर अंग्रेजी में लिखा हुआ 25 आइडिया है, ये आइडिया मेरे को चाहिए, मेरे को पढ़ने को नहीं आता, तो ये 4,000 में एक आइटम को बिठा देता है। बोले 4 बुक दूंगा, एक एक बुक का 1,000, तेरा काम है बुक पढ़ना, तू बीकॉम किया है ना, तो ये बुक पढ़ मेरे को समझा, हिंदी में समझाना गुजराती में समझाना। तो बोलते ना बहुत ही क्या बोलते उसको, बहुत ही पागल आदमी, इसको तुम हरा नहीं सकते, इसको तुम हरा नहीं सकते, इसके पास बेशर्मी की डिग्री है, इसको शर्म आती नहीं है, इसने सभी ऑडियो वीडियो सब सुन लिया है, जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं सब अटेंड करता है, ये जितने बड़े बड़े खिलाड़ी है उनके जाके सलाम मार के उनसे सब सीख के आता है, ये नेटवर्क का किंग बोला जाता है। और यही 8% लोग हैं जो 80% बिजनेस लाते हैं नेटवर्क में।